गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ दीपेंद्र कुमार शर्मा, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम डेफोडिल्स स्कूल। आशा करता हूँ आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। अब सुरक्षित रहने के साथ हमें एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना है, इसलिए डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आया है, जिसमें आज हम क्लास फिफ्थ का एक इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश के लिए बेस होता है, जिसमें थ्री टाइप्स के आर्टिकल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किन जगह इंग्लिश में, कई जगह आपने देखा होगा कि कई जगह बार ए का प्रयोग किया जाता है, कई बार एन का प्रयोग किया जाता है, कभी यूज ऑफ द का भी किया जाता है। तो और भी कई टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, मैनी, सम, उनका भी आपको यूज होता हुआ दिखा होगा इंग्लिश की लैंग्वेज में। आज हम यहाँ पर थ्री टाइप्स के आर्टिकल्स का यूज करना बताएंगे कि यूज ए का यूज किस जगह किया जाता है, एन का यूज किस जगह किया जाएगा और द का यूज आपको किस जगह करना है। सबसे पहले आइए ए, एन, द थ्री टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, उसमें से सबसे फर्स्ट यूज ऑफ ए, कि ए का यूज हमें कहाँ पर करना है और किस जगह आपको ए लगाना होगा। तो यूज ऑफ ए, ए का यूज बिफोर द वर्ड दैट बींग्स विद ए कॉन्स्टेंट साउंड, जिन भी वर्डों का साउंड कॉन्स्टेंट यानी व्यंजन हो, जिन भी वर्डों का साउंड व्यंजन से या कॉन्स्टेंट से स्टार्ट हो, उन सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, ए का यूज करना है। अब बात आती है कॉन्स्टेंट कौन कौन से और वोवल कौन कौन से। आपने टू पढ़े होंगे, वोवल एंड कॉन्स्टेंट। तो बात वोवल की करें तो वोवल हमारे इंग्लिश में फाइव होते हैं। फाइव कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और एंड यू, ये फाइव हमारे वोवल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट, इनके अदर सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जिन भी वर्ड्स का स्टार्ट किससे हो, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, वो सभी आप उससे आगे आपको सबसे पहले क्या लगाना है, ए का यूज करना है। जैसा कि एग्जांपल बताऊं मैं, तो लिखा हुआ है ट्री, ट्री में फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पर, टी, और टी का कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है। क्या साउंड आता है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड आने के कारण यहाँ हम क्या फिल करेंगे, ए को फिल करेंगे। उसी तरह बात करें बनाना, बनाना का साउंड क्या आ रहा है, बे, और बे भी कौन से साउंड में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। इसी कारण हम यहाँ पर भी क्या राइट करेंगे, ए। अब साउंड की बात चाहे हिंदी लैंग्वेज में हो या इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको बी दिख रहा है, बी भी एक कॉन्सोनेंट होता है और इसका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी आपके बे से स्टार्ट होने के कारण क्या आएगा, यहाँ पर ए यूज किया है। आगे बात करें बॉय की, इसी तरह बॉय में भी बी और बी एंड बे का साउंड आने के कारण हम यहाँ भी क्या फिल करेंगे, ए। आगे बात करें गर्ल, गर्ल में भी जी का कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी कारण हम किसको फिल करेंगे, ए को फिल करेंगे। तो ए का यूज आपको कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्डों से पहले करना है। अब बात करें कि एन का यूज किस जगह पर करना है, तो जिन वर्डों का साउंड वोवल साउंड हो, जिन वर्डों का साउंड वोवल साउंड हो, उनसे पहले आपको एन का यूज करना है। जैसा अंकल, अंकल में कौन सा साउंड है, यू का साउंड है, किसका साउंड है, यू का। तो यू का साउंड होने के कारण कौन, यू क्या होता है, वोवल, और वोवल का साउंड जहां भी आए वहां क्या फिल करोगे, एन फिल करना है। एग, एग में किसका साउंड क्या है, ई, और ई भी हमारे किस में आता है, वोवल्स में आता है। तो यहां भी वोवल साउंड होने के कारण हम क्या फिल करेंगे, एन। अब बात आ गई ऑनेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में हमको दिखता एच है, लेकिन एच साउंड यहां पर साइलेंट है
और इस साइलेंट होने के कारण यहाँ पर साउंड किसका आता है, ओ का। किसका साउंड आता है, ओ का। और ओ हमारे क्या होता है, वोवल होता है। क्या होता है, वोवल। यहाँ एच का साउंड साइलेंट होने के कारण ओ से स्टार्ट होता है और ओ का साउंड वोवल साउंड है, इसी कारण हमें क्या फिल करना रहता है, एन। इसी तरह ओनर में भी एच साइलेंट है, ओ का साउंड स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहां भी हम किसको फिल करेंगे, एन को। अब एम एल ए, एम एम आप क्या लिखते हो, एम। किसका साउंड आता है, ए का, और ए क्या होता है, वोवल, हिंदी का वोवल। तो हिंदी का वोवल हो या इंग्लिश का, तो दोनों का साउंड अगर वोवल साउंड है वहां हम किसको राइट कर देंगे, एन को राइट कर देंगे। थर्ड आता है हमारे यूज ऑफ द। द का यूज कई जगह पर किया जाता। फर्स्ट में ऑल दोज थिंग्स विच कैन ओनली वन, कोई सी भी चीज जो हमारे वर्ल्ड में केवल कैसी हो, इकलौती या वन पीस हो उसका, उन सबसे पहले आपको क्या फिल करना है, द अर्थ। हमारे पूरी दुनिया में वन ही अर्थ है, वन पीस है, इसलिए क्या फिल करेंगे अर्थ से पहले, द मून, सन। मून भी वन है, सन भी वन है, अदर चीजें भी होती है। फिर बात करें द का यूज और किन किन के आगे, द का यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले। अब चाहे वो कोई सी भी नदी की बात कर ले, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, अदर रिवर्स हो। बात करें ओकेंस, महासागरों की। बात करें माउंटेन्स, पहाड़ों की। एनी वन माउंटेन्स, कोई सा भी पहाड़ हो उसके नेम से पहले आपको क्या राइट करना है, द। रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें, गीता, कुरान, रामायण, बाइबिल, महाभारत और भागवत गीता। डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। न्यूज़पेपर, अब कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, कोई सी भी लैंग्वेज का हो, उससे पहले भी हमको दा का यूज करना है। डेजर्ट्स, थार, मरुस्थल, रेगिस्तान, कोई से भी हो, सहारा या अफ्रीका का हो, चाहे वर्ल्ड में कोई सा भी रेगिस्तान डेजर्ट हो, उसके नेम से पहले दा। थर्ड पॉइंट, द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, या तो उसके आगे मोस्ट लगा हुआ हो, या तो किसी भी वर्ब के आगे मोस्ट लग रहा हो, या वर्ब में ईएसटी ऐड किया गया हो, दोनों आपकी सुपरलेटिव अति उत्तम थर्ड डिग्री होती है। अति उत्तम यानी बहुत ही सबसे ज्यादा अच्छी जो डिग्री है वो सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग आती है, यानी आपको सबसे अच्छा बता दिया जाए वो हमारे कौन सी डिग्री में आ जाएगा, सुपरलेटिव। तो उनमें भी आपको दा का यूज करना रहेगा। तो आपको आज ये टॉपिक आर्टिकल्स का समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। अपने पास वीडियो को देखने से पहले अपने पास एक नोटबुक एंड पेन रखें, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में राइट कर सकें एंड इनको लर्न करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।